नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ ओके क्रेडिट में। और आज एक और दिलचस्प आइडिया लेकर आई हूँ आपके लिए बिजनेस का। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन दबाइए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको हमारे वीडियोज कैसे लग रहे हैं। तो आज जिस बिजनेस की मैं बात करने वाली हूँ, शायद कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये कोई बिजनेस नहीं है या फिर इतने छोटे स्तर का बिजनेस, क्यों इसमें पैसा लगाया जाए। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो कम लागत में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ फलों के होलसेल के बिजनेस की। जी हाँ, अगर आप फलों का होलसेल का बिजनेस करते हैं तो आप कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ आप दिन दुगनी रात चुगनी आप तरक्की कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। और बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि आपको अपने दिमाग से काम करना है। हर बिजनेस में दिमाग चाहिए होता है, अपनी सूझबूझ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और बाकी टिप्स के लिए हम हैं तो आपके सामने पेश कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। और बिजनेस अगर आप फलों का या करने का सोच रहे हैं, फ्रूट्स का होलसेल बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो ये टिप्स ज़रा ध्यान से सुनिए। फलों का बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही कोई बड़ी पूंजी की। ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस को केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं या जिनके पास अधिक पैसा है वो कर सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे कम पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं। और जिनके पास इतनी लागत नहीं है कोई और बिजनेस को करने की, वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के दो तरीके हैं, पहला होलसेल और दूसरा रिटेल। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे फलों का थोक व्यापार कैसे करें। फलों के थोक व्यापार के लिए आवश्यक चीजें। जगह। फलों का थोक में व्यापार करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जिस जगह इस व्यापार को करना चाहते हैं वो जगह फल मंडी, सब्जी मंडी जैसी जगहों के पास, जिससे छोटे दुकानदार या जिन्हें थोक में फल खरीदना है वो आपके परमानेंट ग्राहक बन सके। क्योंकि जो छोटे दुकानदार हैं या फिर जिन्हें ज्यादा फल खरीदना होता है वो फल मंडी से ही फल लेते हैं। वहीं फल मंडी के आसपास ही अपने लिए गोदाम की व्यवस्था करें जहाँ फलों का स्टॉक रखा जा सके या बचा हुआ माल एकत्रित किया जा सके। श्रम शक्ति। फल के व्यापार में बहुत ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये काम आप दो लोगों में भी कर सकते हैं। दो लोग मिलकर कांटे पर फल का नापतोल, फल को पैक करके ग्राहक के हवाले करना और हिसाब किताब करना, इसके अलावा और भी छोटे मोटे काम मिलजुल कर सकते हैं। फल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति। ये बहुत ही जरूरी होता है कि जिस चीज का कारोबार किया जा रहा है उसकी आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हो। ऐसे में यह आवश्यक है कि व्यापार करने वाले व्यापारी के पास अच्छी गुणवत्ता वाले फल होने चाहिए। आमतौर पर बड़े किसानों के द्वारा फल मंडी में फल की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी फल हैं जो हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। भारत सरकार द्वारा वो दूसरे देश से आयात कराए जाने के उपरांत मंडी में पहुंचाया जाता है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आयात किए हुए भी फल अपने व्यापार में शामिल कर सकते हैं। हर शहर में फलों के थोक व्यापारी होते हैं। सब्जी मंडी की तरह फलों की मंडी भी होती है। थोक बाजार से खरीदे गए माल को रिटेल में किस भाव में बेचना है वहाँ यहाँ के थोक व्यापारी ही बता देते हैं। इसके बावजूद शहर के अलग अलग इलाकों में फलों के अलग अलग रेट होते हैं। फलों के रेट उसकी क्वालिटी, पैकिंग, रखरखाव, शोरूम में रखा माल, खुले में फलों की बिक्री, शहर का सस्ता और महंगा इलाका आदि पर डिपेंड करता है। आप फलों को थोक में किसी गांव में जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी। जो लोग बागानी करते हैं उनसे संपर्क साधना होगा और उन्हें मनाना होगा कि वो आपके साथ बिजनेस कर सकें। फलों का थोक व्यापार करने में निवेश। फलों का थोक व्यापार करने में सबसे पहले जो खर्च आता है वो है गोदाम का। फल मंडी या सब्जी मंडी के आसपास ऐसी जगह ढूंढना जहाँ से आपको बिजनेस करने में आसानी हो, तो ऐसी जगह के लिए आपको किराया भी अच्छा खासा देना होगा, क्योंकि जगह गोदाम के अनुसार ही होगी। एक बार जगह में इन्वेस्ट करने के बाद आपको फलों को खरीदने के लिए खर्च करना होगा। फलों पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक निवेश करना पड़ सकता है। ये रकम आपके बिजनेस के विस्तार पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा फलों को तौलने के लिए हाथ वाले तराजू या इलेक्ट्रॉनिक तराजू की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर आप 2 लाख रुपए तक में इस बिजनेस को बेहद अच्छे से शुरू कर सकते हैं बिना किसी कटौती के। फलों का रखरखाव। फल महंगे होने के साथ संवेदनशील भी होते हैं, इसलिए जरूरी है कि इसका ठीक तरीके से रखरखाव किया जाए, अन्यथा थोड़ी सी लापरवाही के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि फल ज्यादा बासी ना हो, दिखने में ताजा और साफ दिखे, जिससे ग्राहक संतुष्ट होकर आसानी से खरीद सके। सरकारी सहायता। अन्य व्यापार की तरह इस व्यापार के लिए और लघु उद्योग को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा सब्सिडी और लोन की सहायता दी जाती है। लोन प्राप्त करने के लिए व्यापार का रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत आधार कार्ड समेत अन्य जरूरी दस्तावेज लगाकर
पोर्टल पर ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखा आपने कि आप फलों का बिजनेस कितनी कम लागत में शुरू कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देते रहिए अपना सहयोग भारत को आत्मनिर्भर बनाने में। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।